राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार ने 450 रुपये सिलेंडर की घोषणा की थी। ऐसी कई घोषणा पत्र हैं जो भाजपा ने जारी किया था, उससे आमजनों ने उस घोषणा पत्र पर वोट दिया। जब बुधवार को देखा गया था, एक राज्यसभा सांसद ने सवाल उठाया 450 रुपये सिलेंडर का, तो एक जो पेट्रोलियम राज्य मंत्री है उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान में ऐसी कोई घोषणा है जो नहीं की गई है। अब लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि इस पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पक्ष विपक्ष के जो बयानबाज हैं वो पलटवार हैं, वो आपस में होते जा रहे हैं। उदयपुर की जनता है, उदयपुर में जो लोग हैं इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि पलटवार हो रहे हैं। भाई साहब क्या लग रहा है, जिस तरह की घोषणा भाजपा सरकार ने उसमें घोषणा पत्र में की थी, लेकिन कल एक केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा कि ऐसी घोषणा राजस्थान में नहीं की गई। बिल्कुल होगा, कम्प्लीट होगा, वो 450 में देंगे सिलेंडर। कैसे मंत्री कह रहे हैं कि नहीं की गई है? मंत्री केंद्र सरकार का है, राजस्थान सरकार का नहीं है। राजस्थान की विधानसभा में जब आएगा तब पता पड़ेगा ना कि इन्होंने घोषणा की कि नहीं की। चार दिन पहले अखबार में आया कि मोदी की गारंटी 450 रुपये पेट्रोल सिलेंडर देंगे हम, तो फिर केंद्रीय मंत्री क्या कह रहा है, उससे कोई लेना नहीं हमारा राजस्थान से। तो फिर सब्सिडी राजस्थान दे रही है ना, केंद्र सरकार थोड़ी दे रही है। लेकिन होगा तो वहीं से ना, क्योंकि केंद्र सरकार की कोई इसमें लेना देना ही नहीं है। जो केंद्र सरकार से 1100 में सिलेंडर आ रहा है वो यहाँ सब्सिडी राजस्थान सरकार देगी। लेकिन वो जो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन है उसी पे दिए जाएंगे, जो प्रधानमंत्री की जो योजना है उसी पे दिए जाएंगे, और घोषणा जो की गई है वो 3 राज्यों में की गई थी ऐसी घोषणा। और राजस्थान में जब सवाल उठा तो केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम मंत्री है, क्योंकि जो गैस है वो वहीं से उठता है, पेट्रोलियम से। तो क्या लगता है आप? नहीं, मैंने बता रहा हूँ आपको, मेरी बात आप समझे नहीं। खैर आज से पहले जो गहलोत 550 में दे रहा था वो कैसे दे रहा था? राजस्थान सरकार सब्सिडी दे रही थी ना उसमें, तो अब भी राजस्थान सरकार ही सब्सिडी देगी और राजस्थान की विधानसभा में आएगा, वहाँ से पास होगा, उसके बाद मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आपको मिलेगा। बिल्कुल 100%। क्या लगता है अंगला, आपको क्या लगता है, इस तरह का मुद्दा उठा है, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है कि इस तरह की घोषणा राजस्थान में नहीं की गई 450 रुपये सिलेंडर, आप क्या सोचते हैं इसको? सर ऐसा है कि अभी तक जो है प्रधानमंत्री ने जो घोषणा करी थी वो धीरे धीरे अपने वादे तो पूरे करते जा रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही मतलब जब बीजेपी की अब गवर्नमेंट आई है तो निश्चित रूप से ये भी मतलब जो है देंगे पूरा, ऐसी उम्मीद है। बीजेपी के एक मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इस तरह की घोषणा राजस्थान में नहीं की गई है। सर ऐसा है कि कभी कभी मंत्री भी देखो आदमी हो सकता है, शायद जुबान फिसल गई हो, कह दिया हो, लेकिन ऐसा है नहीं। वैसे उम्मीद है, पूरी कोशिश कि वो देंगे, मतलब उम्मीद लगा कर बैठे हैं। बैठे हैं बिल्कुल, हम आगे चलेंगे। भाई साहब राजस्थान में आप पहले कहाँ से? सर मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ और यहाँ ट्रेनिंग में आए हुए हैं। अच्छा। और पिछले 4 दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं। राजस्थान में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपये सिलेंडर की घोषणा की थी, लेकिन कल एक केंद्रीय मंत्री ने इसका जवाब दिया है कि इस तरह की घोषणा राजस्थान में नहीं हुई, क्या सोचते हैं आप? सर देखिए घोषणाएं जो हैं वो चुनावी दौरान उनको जनता को लुभाने के लिए होती हैं, और चाहे सरकार भले ही किसी की भी हो, लेकिन जब घोषणाएं की जाती हैं तो उनको धरातल पे उनको उतारना चाहिए, ये जनहित के लिए नुकसानदायक है। इस तरह के जिस तरह के क्या कहा जाए कि एक बयानबाजी शुरू हो गई इस मामले पर, कि सरकार ने घोषणा पत्र में कहा कि 450 में देंगे, लेकिन जब राज्यसभा के एक सांसद इस तरह का सवाल उठाते हैं तो केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि इस तरह की घोषणा नहीं होती, क्या लगता है कि प्रोपोगंडा अपनाया गया? सर देखिए यदि घोषणा पत्र में अगर है तो पूर्व इसका जो विपक्ष है उसको पुरजोर इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको चुन करके वहाँ भेजा है, और महंगाई से राहत बहुत ज़रूरी है, बेरोजगारी और महंगाई जो है, चिकित्सा और शिक्षा, ये मुख्य मुद्दे होने चाहिए, चाहे सरकार भले ही कोई भी बने, और ये मुख्य मुद्दों में इसको अपन को लेना चाहिए। उम्मीद है आपको होगा? देखिए सर बिल्कुल उम्मीद है, और इसी उम्मीद और आस के ऊपर जो है वो हम वहाँ अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं, तो होना चाहिए। क्या लगता है भाई साहब आपको, जिस तरह की घोषणा हुई है, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि इस तरह की घोषणा राजस्थान में नहीं की गई? पेट्रोलियम मंत्री का मैंने बयान नहीं देखा, ना मैंने सुना वो। क्या लगता है आपको इस तरह की बयानबाजी को लेकर, आप क्या सोचते हैं? बयानबाजी को लेकर मेरे को कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि घोषणा पत्र में यहाँ पे जो राजस्थान में हुआ है कि सिलेंडर की रेट है वो 450 रुपये में मिलेगी जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको, और पेट्रोलियम के लिए भी, पेट्रोल डीजल के लिए राहत देने की बात हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें राहत मिलेगी जनता को। मिले क्या लगता है जी आपको, जिस तरह से घोषणा की बात होती है, सरकार एक घोषणा करती है लेकिन जब पक्ष मामला पहुंचता है तो उस मामले पर नकार जाता है या फिर मना कर दिया जाता है कि इस तरह की घोषणा नहीं की गई है? देखिए भाई साहब बात ऐसी है कि केंद्र सरकार का
अलग मामला है और राज्य सरकार का अलग मामला है। किसी भी तरह की कोई सार्वजनिक घोषणा की जाती है तो घोषणाएं तो होती रहती है, बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, और भी जो भी अन्य सत्तारूढ़ पार्टी है, पक्ष विपक्ष सभी घोषणाएं करते हैं। लेकिन एक्चुअल में असली जमा जब होता है, जब विधानसभा के अंदर इसका बिल पेश होता है, वो पास होता है, तब जाकर के इसकी घोषणा की हम लोग मानते हैं, हाँ भाई ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको कि राजस्थान के अंदर जो चुनाव हुआ वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देख के हुआ, नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया गया। तो मैं सोचता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, ये मेरा विश्वास है। और बीजेपी ने 450 रुपये के लिए घोषणा की है तो उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से 450 रुपये सिलेंडर मिलेगा। और जहाँ जो जो घोषणाएँ बीजेपी ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो घोषणाएँ सभी संभव होगी और आम जनता को घोषणाओं का उचित लाभ मिलेगा, निश्चित मिलेगा। फिर मेरा यही कहना है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी पर पूरा भरोसा, मतलब 110%। ठीक है, भाई साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से राजस्थान में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपये सिलेंडर देने की घोषणा किया था, वादा किया था, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री का एक बयान आता है वो कहते हैं कि इस तरह की घोषणा राजस्थान में नहीं की गई, आप क्या सोचते हैं इसको? सर कह तो कुछ नहीं थे, वैसे तो मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ, आरएसएस ही हूँ। लेकिन क्या लगता है आप बात कर रहे हैं? 85 से हूँ और ऑलरेडी मैं 92 में बावड़ी मस्जिद कांड में रह चुका हूँ और डाडा में भी रहा था, और मोदी है तो सब कुछ है। अच्छा, मोदी है तो सब कुछ है, लेकिन केंद्र के मंत्री कहते हैं कि इस तरह की घोषणा नहीं की गई। पॉसिबल है सर, सब कुछ पॉसिबल है, पर इसके लिए एक इंसान के अंदर क्या पेशेंस नहीं है, हर चीज़ कहते ना कि सरसों हथेली पर सरसों नहीं जमती, कुछ पाना है तो इंतजार तो करना पड़ेगा, तो इंतजार करिए, सब कुछ पॉसिबल होगा। ठीक है, ठीक है, और आगे चलेंगे और कुछ सबसे बात करेंगे। भाई साहब पंडित जी आइए, पंडित जी जिस तरह से घोषणा की बात होती है, घोषणा पत्र जारी होता है चुनाव को लेकर, तो एक राजस्थान में भाजपा ने 450 रुपये सिलेंडर देने की घोषणा की थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री का बयान आता है कि इस तरह की घोषणा राजस्थान में नहीं की गई है 450 रुपये के सिलेंडर की, क्या लगता है आपको, कहीं जुमला दिया गया है या फिर क्या लगता है? हो सकता है मंत्री जी के भूल गए हो, ये भी तो हो सकता है, अगर अखबारों में वगैरह देखा तो था, हमने सुना था, पढ़ा भी था, कहेंगे ये मंत्री जी चूक कर रहे हैं। बाकी जो सोचा था वो तो कर दिया, लेकिन अब टाल मटोल नहीं करना चाहिए, देना चाहिए, देना तो चाहिए ना, सबको मत दो, जो सक्षम नहीं है उन तक दो, चलो मान लिया, ये तो करो और क्या। तो उम्मीद है मतलब अभी भी? हाँ, उम्मीद में तो रहना ही पड़ेगा, उम्मीद के बिना मतलब ही नहीं, मैं भी उम्मीद आस लेके बैठा हूँ, अब ग्राहक इधर से आओ इधर से आओ, तो उम्मीद सबको रखनी चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं लोग हैं अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं, लोगों का कहना है कि जो केंद्रीय मंत्री है वह इस बात को भूल गए या फिर इस घोषणा को भूल गए या फिर उनकी जबान फिसल गई है, मोदी पर लोग अभी भी भरोसा लगा के बैठे हुए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।